टॉपिक टूडेज़ डिस्कशन इज़ बेली एंड लव इम्पोर्टेंट सर्जरी टेबल्स स्टार्ट करते हैं सबसे पहला शौक वाला टेबल है अब शौक की आपको पता है कि डिपेंडिंग अपॉन कम्पनसेशन इसकी दो टाइप होती है कम्पनसेटिड और डी कम्पनसेटेड शॉक डी कम्पनसेटेड शॉक को मजीदी तीन में डिवाइड करते हैं माइल्ड मॉडेड सीवियर और मैंने आपको बताया था कि शॉक के अंदर कौन कौन से पैरामीटर्स आपने देखने हैं जिसका टेबल यहाँ पे बनाया हुआ है मीमोनिक था लक बी पी आर एल यू सी बी पी आर एल से लैक्टिक एसिडोसेज यूरि से यूरिन आउटपुट सी से कॉन्शियसनेस लेवल बी से ब्लड प्रेशर पी से आपका पल्स आ जाती है और आर से रिस्पायरेटरी रेट आ जाता है फिर मैंने ये बताया था कि कंपनसेटिड शॉक के अंदर जो लैक्टिक एसिड है इसका आपने प्लस वन रखना होता है और कम्पनसेटेड शॉक में पल्स थोड़ी सी बढ़ती होती है फिर आपने माइल्ड के अंदर दो चीज़ें आपने नॉर्मल रखनी है एक यूरिन आउटपुट और ब्लड प्रेशर मोडीरेट के अंदर माइल्ड हाइपोटेंशन और सीवियर के अंदर सीवियर हाइपोटेंशन बाकी आपको ऑलरेडी पता है कि शॉक के अंदर लैक्टिक एसिड हो ज़्यादा आप देखने को मिलता होता है यूरिन आउटपुट खत्म हो जाती होती है कॉन्शियसनेस लेवल डाउन हो जाती है ब्लड प्रेशर कम हो जाता है पल्स काफ़ी रैपिड थ्री फीबल पल्स होती है और लास्ट में रेस्पायरेटरी रेट था वो आपको लिबर्ड ब्रीथिंग देखने को मिल सकती होती है इसके बाद है ओके okay, इसके बाद है क्लासिफिकेशन ऑफ हेमरेजिक शॉक डिपेंडिंग अपन कितना ब्लड वॉल्यूम ले हुआ है ओके okay? और जितना ब्लड वॉल्यूम लॉस हुआ है परसेंटेज फॉर्म में उसको अपने पचास से मल्टीप्लाई कर देना तो ये आपका वॉल्यूम आ जाएगा फॉर एग्जाम्पल जो क्लास वन होती है इसमें फिफ्टीन परसेंट से कम होता है या सेवन फिफ्टी एम एल से वॉल्यूम कम होता है इसके बाद पंद्रह से लेकर तीस वो टू होता है थर्टी टू फोर्टी थ्री होता है और मोर देन फोटी आपका क्लास फोर हेमरेजिक शॉक आता है इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन बना हुआ है ओके एक टैक्सी ड्राइवर है जिसको मल्टीपल इंजरीज हो गई है हेड एन क्लियन हो गया है बम्पर के साथ यहाँ पे डम्पर लिखा हुआ है ओके और इसके अलावा जब पल्स देखो तो उसका क्या हुआ वन फोटी एट बीट्स पर मिनट है पल्स बढ़ा हुआ है ब्लड प्रेशर रिलेटिवली हम कह सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा कम है रिस्पायरेटरी रेट बढ़ा हुआ है ओके तो कौन सा शौक आप सस्पेक्ट कर रहे हो हेमरेजिक शौक बाकी इसके मैनेजमेंट वाला 이사 ा प 리에와 ह े ह ै고 그냥 बाकी हम इसके क्वेश्चंस पे आ जाते हैं ओके तो शॉक की वजह से ऑर्गन फिलियोर पे क्या इफेक्ट देखने को मिलेगा लंग्स में आपको ए होता है किडनी के अंदर एक्यूट एक्ट्रीनल फिलियोर है क्लॉटिंग सिस्टम है क्वागोलोपैथी और कार्डिक में कार्डियोवास्कुलर फिलियोर होता है अब शॉक वाली पेशेंट पर पे आपने किन किन चीज़ों की मॉनिटरिंग करनी होती है मिनिमम आपने जो रट्टा मारने ना यूरिन आउटपुट आप देखते हो पल्स के लिए ईसीजी देखते हो पल्स ऑक्सीमेट्री सेचुरेशन को चेक करने के लिए और आप क्या करते हो ब्लड प्रेशर देखते होते हो एडिशनल के अंदर सी लाइन आ जाएगा लैक्टिक एसिडोसिस बेस डेफिसिड है कि कितना बेस का लॉस आपको देखने को मिल दे रहा है कार्डिक आउटपुट और इनवेटिव ब्लड प्रेशर अंदर होता है इसके बाद किन-किन चीजों को करोगे, और और या कॉन्स्ट्रक्शन के ऊपर ठीक हो गया किडनीज के अंदर आप यूरिन आउटपुट देखते हैं क्लिनिकली ब्रेन के अंदर कॉन्शियसनेस लेवल है बाकी किडनीज के लिए कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं है ब्रेन के लिए और स्केलेटल मसल के लिए दोनों के लिए सेम है टिश्यू ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनोड और नियर इन फिर स्पेक्ट्रोस्कोपी आ जाएगा इसके बाद पैरी ऑपरेटिव आरबीसी ट्रांसफीन क्राइटेरिया वो कौन कौन सा होता है कि किन कंडीशन के अंदर आपने ट्रांसफीन देना है अगर एच पी सेवन से कम है या सिक्स से कम है तो ट्रांसफीन का फायदा होता है अगर छह से लेकर आठ है लेकिन कोई ब्लीडिंग नहीं है या सर्जरी नहीं है तो ट्रांसफीजन का फायदा नहीं है और अगर एट से ज्यादा है तो कोई इंडिकेशन नहीं है इन द एबसेंस ऑफ रिस्क फैक्टर होता है फिर इनका स्टोरेज टाइम लिखा हुआ है जो पैक्ड आरबीसी होते हैं एक बात रट्टा मार लेना कि जो आरबीसीज होते हैं पैक्ड आरबीसी इनका जो स्टोरेज टेंपरेचर है वो दो से लेकर छह डिग्री सेंटीग्रेड है ये वही टेंपरेचर है जिस पे ओपीवी भी स्टोर होती है जो फ्रीजिंग टेम्परेचर होता है वो एफएफपी का होता है फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा ओके या क्लॉटिंग फैक्टर का -40 से लेकर -50 और क्रायो प्रेसिपिटेट का -30 एल्ब्यूमिन का 4 डिग्री होता है ओके okay? और प्लेटलेट का रूम टेम्परेचर होता है 20 लेकर 25 तक ओके okay? बाकी जो फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा और क्रायो प्रेसिपिटेट दो साल तक हम कर सकते होते हैं प्लेटिलेट को पाँच दिन और आर को आप तकरीबन एक महीना तक आप स्टोर कर सकते होते हैं अब स्टोरेज करने के लिए पैक्ड आर में हम दो चीज़ें ऐड करते हैं एक है एस अगर पाँच हफ्ते तक आपने स्टोर करना है तो आप एस ऐड करोगे मिमोनिक है एस एस से सोडियम ए से आपका एडीनिन जी से ग्लूकोस और एम से मैनेटोल पाँच हफ़्ते के लिए और अगर आपका लाइक पाँच हफ़्ते तो वही आपके क्या बन जाते हैं लाइक like आप कह सकते हो थर्टी फाइव डेज बन जाते हैं और थ्री वीक्स तक अगर आपने करना है तो सी पी डी फॉस्फेट और डेक्सट्रोज आ जाता होता है इसके बाद चैप्टर नंबर थ्री है ये कौन से कौन से फैक्टर्स होते हैं जो कि वूड हीलिंग को अफेक्ट करते होते हैं तो जो वूड हीलिंग को अफेक्ट करते होते हैं फैक्टर नंबर वन वह पे साइट ऑफ द वड ओके नंबर टू स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व किसको इन्वॉल्व कर रहा है नंबर थ्री मिकैनिजम ऑफ वूड कि वूड कैसे हुआ है इनसाइज वूड था क्रश वूड था एवलियन वूड था कोई कंटेमिनेशन तो नहीं होगी कोई टिश्यूज़ तो लॉस नहीं हो गया ओके okay? इसके अलावा आर्टीरियल या वीनस इंसोफिशंसी पर डिपेंड करते हैं प्रेशर पर डिपेंड करते हैं ये थे लोकल फैक्टर्स सिस्टमिक फैक्टर के अंदर मेल न्यूट्रिशन अनीमिया ओके okay? डिजीज़ लाइक डायबिटीज डायबिटिस मिलाइटिस स्टीरॉइड म्यूरोडेफिशंसी लाइक कीमोथेरापी एड स्मोकिंग स्टीरॉयड इनकी वजह से वूड की हीलिंग अफेक्टेड होती है ओके क्लासिफिकेशन ऑफ वुंड क्लोयर और वुंड हीलिंग वुंड क्लोयर या वुंड हीलिंग के जो तीन तरह के क्लासिफिकेशन होती है हीलिंग बाय प्राइमरी इंटेंशन हीलिंग बाय सेकेंडरी इंटेंशन हीलिंग बाय टर्शरी इंटेंशन हीलिंग बाय प्राइमरी इंटेंशन में क्या होता है वोड कैज इनसाइज वड में होता है वुंड कैज को अपोस्ट कर देते हैं नॉर्मल हीलिंग होती है स्कार नहीं होता जबकि सेकेंडरी इंटेंशन में वुंड को हम खुला रख देते हैं ओके हीलिंग होती है ग्रैनुलेशन टिश्यू से इन कॉन्ट्रैक्चर से और एपिथीरियाइजेशन से ओके सेकेंडरी इंटेंशन में ज्यादा इन्फ्लेमेशन होती है ज्यादा प्रोलीफेसन होता है ज्यादा स्कार मार्क बनता है टर्शरी इंटेंशन जिसको डिलेट प्राइमरी इंटेंशन भी कहते हैं इसमें वोट इनिशियली खुला रख देते हैं लेकिन फिर बाद में इसके एजेस को अपोज कर देते हैं जब कंडीशन फेवरेबल होती है ओके okay. फिर हम आगे आ जाते हैं अच्छा वूड्स के मेकेजम्स क्लीनलीनेस टिश्यू हेल्थ और टिश्यू लॉस ये चार चीज़ों को देखना है वूट्स की दो टाइप होती है पहला मेकेानिज्म इनसाइज वूड है और वो वाला होता है अनटाइडी वूड क्रश या एवलियन की वजह से होता है दूसरा पॉइंट है क्लीनलीनेस साफ़ सुथरा था यानी जो टाइडी बूंद होते हैं साफ सुथरे होते हैं क्लीन होते हैं अनटाइडी वूंद कॉन्टामिनेटेड होते हैं तीसरा पॉइंट है टिश्यू हेल्थ टाइडी वोंड में टिश्यू की हेल्थ नॉर्मल होती है हेल्दी होता है अनटाइडी में डीवाइटिलाइज टिश्यू होते हैं इसके बाद टाइडी वूड में सलडम टिश्यू लॉस होता है अनटाइडी में टिश्यू का लॉस सारा देखने को मिलता है

टाइट ड्रेसिंग नहीं करनी और लिम्स को आपने एलिवेट करना होता है तो एक्सपोयर न्यूरोवास्कुलर बंडल को, को आइडेंटिफाई किया एक्सरसाइज किया फॉरन बॉडी को रिमूव किया मेजर मैसल्स को रिमूव किया स्केलेटल मसल के स्टेबिलाइजेशन किया विद एक्सटर्नल फिक्सेटर टेंडेंस को नर्व्स को टैग किया वूंट को खुला रखा टाइट ड्रेसिंग नहीं करनी होती इसके बाद प्रेशर सोर्स की फ्रीक्वेंसी मिमोनिक है इंदिरा गांधी स्टैचू हैज एम ओ इंदिरा गांधी मतलब इसकी हम आ जाएगा ग्रेटर ट्रोकॉन्टर आ जाएगा स्टैचू सेक्रम आ जाएगा हैज हील है मेल्यूलस जो कि लैटरल मेलियोलस होता है फिर ऑक्सीपिट आ जाती होती है फिर हम आ जाते हैं प्रेशर सोर की स्टेजिंग स्टेज वन में नॉन ब्लाचेबल एरिथीमा होता है यानी स्किन में ब्रीच नहीं आया टू में पार्शल थिकनेस स्किन लॉस देखने को मिलता है अपी डरमिस और डर्मिस का थ्री में फुल थिकनेस स्किन लॉस होता है जबकि सब किटेनियस टिश्यू में एक्सटेंड कर रहा है बट नॉट थ्रू द फेशियल और फुल फोर्ड में क्या होगा फुल थिकनेस स्किन लॉस होगा जो कि फेशिया को क्रॉस कर रहा होगा और टिश्यू की डिस्ट्रक्शन भी होगी मसल टेंटन बोन ज्वाइंट की इसके बाद हम आगे आ जाते हैं बर्नस की सॉरी इसी की बताई है सो, प्रेशर सोर्स की बताई है ओके इसके बाद हम आगे आ जाते हैं डी क्यूबिटस अल्सर डी क्यूबिटस अल्सर या जो आपके होते हैं कहने का मतलब है प्रेशर सोर्स या ट्रॉफिक अल्सर इसमें आपको देखने को मिलते हैं जब कैपिलरी प्रेशर जो होता है वो थर्टी से ज़्यादा देखने को मिलता होता है डी क्यूबिटस अल्सर की क्या डेफिनेशन होती है एरिया ऑफ अन र प्रेशर अन रिलीफ प्रेशर होगा थर्टी मिलीमीटर से ज़्यादा का होगा स्कीमिया होगा सेल की डेथ हो जाएगी और नेक्रोसिस हो जाएगी एपिटर में सॉफ्ट सॉफ्ट इश्यू की एटियालॉजी में बेड कन्फाइनमेंट है डायबिटीज़ है जिसमें रिड्यूस परसेप्शन ऑफ पेन है जिसकी वजह से डी क्यूबिटस असर बन जाते हैं स्किन की मैसीरेशन हो गया ड्यू टू और स्टूल रिटेंशन है डायबिटीज है, स्किन की वजह से या न्यूरोपैथी है हो स्कीम हो बाकी ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ मेलियोलस और मीडियम मेलियोलस और ऑक्सीपिटल रीजन पर आपको देखने को मिलते होते हैं प्रिवेंशन के अंदर क्या होता है कंजर्वेटिव आपने मैनेजमेंट करनी होती है सबसे पहले आपने क्या करना होता है प्रेशर रिलीफ करना होता है आपने पोजीशन चेंज करनी है हर दो घंटे के बाद ओके अल्टरनेटिंग प्रेशर मैटर आपने इस्तेमाल करना होता है नंबर टू स्किन को आपने केयर करना है स्किन को आपने ड्राई नहीं होने देना स्किन को मॉइस्ट करना है ब्रेक डाउन को प्रिवेंट करना है यूरिन और स्टूल को आपने क्लीन करना होता है वूड को आपने ठीक करना है सेकेंडरी प्रोफाइल एक्सिस में मोबिलाइजेशन है डाइट कंट्रोल है कंट्रोल ऑफ इन्फेक्शन है बाकी सर्जिकल मैनेजमेंट क्या होगी पहले हमने प्रेशर रिलीफ पड़ा फिर हमने स्किन केयर कर लिया और फिर सेकेंडरी मैनेजमेंट क्या होगी डीप ब्राइडमेंट होती है ओके okay? और फाइनली आपने प्लास्टिक सर्जरी से रिपेयर करना होता है सप्लिट स्किन ग्राफ्ट आप इस्तेमाल करते होते हैं मेन रट्टा मार लेना प्रेशर रिलीफ है पोजीशन चेंज करना दो घंटे के बाद hai, kiya, kiya, और रेगुलर स्किन केयर है स्किन को मॉइस्ट किया ब्रेक डाउन को प्रिवेंट किया और यूरिन और स्टूल वाले कंटेंट को आपने क्लीन करना होता है इसके बाद साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ नेक्रोटाइजिंग इन्फेक्शन तो नेक्रोटाइजिंग इन्फेक्शन है उसके अंदर क्या आपको साइंस सिम्टम देखने को मिलते हैं जब भी टिश्यू की नेक्रोसिस होगी इन्फ्लेमेशन के साइंस होते हैं पेन है स्वेलिंग है ओके ठीक है गैस की फॉर्मेशन हो सकता है जिसकी वजह से क्रेपिटस और ब्लिस्टरिंग होती है फीवर देखने को मिल सकता है डिश वाटर पस देखने को मिलती है जो कि एक रेश में देखने को मिलती है पिंक ऑरेंज स्किन की होती है स्किन स्किन skin के मोल्ड की फॉर्म में रट्टा रिजनल स्टीरो ने लॉन्स एक्संस दे सकते हैं है। है, है, या स्टीरॉयड के इंजेक्शन साथ दे सकते हैं या पोस्ट ऑपरेटिव रेडियोथेरापी जो कि एक्सटर्नल या ब्रेक की थेरापी हो सकती है नेक्स्ट है ए सैप्सिस वोट स्कोर ओके ए सप्सिस वोट स्कोर के अंदर क्या होता है ए से एडिशनल ट्रीटमेंट है एस से -se, आपका सीरियस डिस्चार्ज है ई e से रिथिमा आ जाता है पी से प्रुलेंट डिस्चार्ज देखने को मिलता होता है ओको एक और एस से आएगा सेपरेशन ऑफ डीप टिश्यूज आइसोलेशन ऑफ बैक्टीरिया और लास्ट में एक और एस से होगा स्टे फॉर मोर देन फोर्टीन डेज ओके रट्टा मार लेना कि जो इनिशियल वाला है अगर एंटीबायोटिक इस्तेमाल कर रहे हैं तो टेन आ जाएगा पर्स को ट्रेन कर रहे है तो फाइव है डी तो ब्राइडमेंट है. है तो उसके अंदर भी दस आ जाता है पॉइंट बाकी समय जीरो से लेकर फाइव तक होते हैं और लास्ट में जो पॉइंट है फाइव वाला वो स्टे वाला आ जाएगा अब इसके ग्रेडिंग कैसे करनी होती है अगर ट्वेंटी से कम है स्कोर तो नो इन्फेक्शन है 40 से ज्यादा है है तो सीवियर याद करना फोर्टी से ज्यादा तो वो क्लास फोर हाईमेजिक शॉक भी था तो इसको आपने रट्टा मार लेना है कि फोर्टी से ज्यादा तो वो सीवियर इंफेक्शन या फोर्टी से ज्यादा तो सीवियर या क्लास फोर हेमरेजिक शॉक था बीस लेकर तीस है तो माइनस तीस लेकर चालीस है तो मॉडरेट सही हो गया ओके माइल्ड मॉडरेट सीवियर से रट्टा मार सकते हैं इसके बाद साउथ साउथहैम्प्टन ग्रेडिंग स्कोर आ जाता होता है साउथ साउथहैम्टन के अंदर क्या रट्टा मारना है ओके नेक्रोटाइजिंग एंटीरोकोलाइटस एन ई सी को रट्टा मारना होता है और पी डी को रट्टा मार लेना जीरो का मतलब है नॉर्मल हीलिंग ओके वन का मतलब है नॉर्मल हीलिंग है लेकिन माइल्ड ब्रूजिंग या रिथीमा देखने को मिल रहा है टू में अरिथीमा प्लस साइंस ऑफ इन्फ्लेमेशन है सी से क्या बनेगा क्लियर या सीरियस डिस्चार्ज है पी डी बस या पुरुलेंट डिस्चार्ज और डी से डीप या सीवियर वोट इन्फेक्शन जिसमें टिशू का ब्रेक डाउन भी हो सकता है ओके अब इन सबको हम डिवाइड करते हैं ए बी सी में जो लेवल वन है ग्रेड वन है ओके इसमें ए बी सी ए से सम ब्रूजिंग बी से ज़्यादा ब्रूजिंग और सी से क्या होगा माइल्ट अरिथिमा होगा अरिथि अब आगे रिथिमा प्लस साइंस ऑफ इन्फ्लेमेशन है ओके okay? अगर उस पॉइंट पे है तो ए आ जाएगा बी उससे स्यूचर के अराउंड है सी वड के अराउंड है और ओके okay, वूंट के अलोंग है और डी में वूंट के अराउंड हो जाएगा क्लियर डिस्चार्ज के अंदर आपने रट्टा मारना है कि अगर दो सेंटीमीटर से कम है तो ए दो से ज़्यादा तो है तो बी लार्ज है तो सी और डी में तीन दिन से ज़्यादा का ड्यूरेशन आ जाएगा ओके बाकी ए एंड बी तीसरे चौथे का सेम है और बाकी ऐसे कर सकते आप इसके बाद हम आ जाते हैं सिविर इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉस सिंड्रोम सिविर इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉस सिंड्रोम क्या होता है बॉडी का सिस्टमिक रिस्पॉस होता है टू द इन्फेक्शन और इसकी वजह से जो इफेक्ट प्रोड्यूस होता है उसको क्या बोलते होते हैं हम ओके वो नीचे आ जाएगा ओके जो इफेक्ट प्रोड्यूस होता है उसको मल्टी ऑर्गन डिस्फंक्शन सिंड्रोम कहते हैं और उसके एंड स्टेज को बोलते हैं मल्टी सिस्टामिक ऑर्गन फेलियर तो स्टार्ट करते हैं सिविर इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉस सिंड्रोम आपने तीन वाइटर्स तो तो रट्टा मारने हैं बस ब्लड प्रेशर की जगह डब्ल्यू बी सी एड कर देना होता है वो तीन वाइटर्स कौन कौन से होते हैं एक तो आपका टेम्परेचर होता है रिस्पायरेटरी रेट होता है पल्स होता है और तीसरा ने रट्टा मार लेना है, WBC सोते है। WBC कम भी हो चार से कम भी हो जाए बारह से ज्यादा भी हो जाए तो वो मसला क्रिएट करेगा इसके अलावा टेंपरेचर के अंदर थर्टी एट से ज्यादा भी हो जाए या थर्टी सिक्स से कम हो जाए वो भी मसला प्रोड्यूस करेगा टकी कार्डिया भी हो जाए टकिपनिया भी हो जाए सॉरी टकी कार्डिया हो जाए तो ये भी मसला क्रिएट करता होता है और टेकिपनिया बी से ज्यादा हो जाए ओके करते हैं अगर इन्फेक्शन हो सीवियर इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स सिंड्रोम के साथ तो बस सेप्सिस हो जाएगा सिवियर सेप्सिस या सेप्सिस सिंड्रोम का लेबल करेंगे जब आपको ऑर्गन फ्लियोर मिलेगा जैसे लंग्स में हमने ए आर डी एस पढ़ा था कार्डियोवास्कुलर uh, में कोग्लोपैथी पढ़ा था ओके okay? और अगर ऐसा सेप्सिस ओके okay, जो कि ठीक uh, हो गया सीवियर सेप्स तो ये आ जाएगा कि ऑर्गन डिस्फंक्शन है और अगर हाइपोटेंशन रिफ्रैक्टरी टू द फ्लूड थेरेपी है तो वह सेप्टिक शॉक देखने को मिलता होता है ओके इसके बाद सर्जिकल साइड वुंड इन्फेक्शन वगैरह पड़ रहे हैं ओके डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्जिकल वुंड्स अब हम सर्जिकल वुंड्स पड़ रहे हैं इन रेफरेंस टू द इन्फेक्शन रेट ओके और इसके बाद और विदाउट एंटीबायोटिक प्रोफाइलक्सिस है तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम ओके टाइप्स ऑफ सर्जरी या सर्जिकल वुंड है पहला है क्लीन वुंड है दूसरा क्लीन कॉन्टेमिनेटेड है तीसरा कॉन्टेमिनेटेड और चौथा डर्टी होता है क्लीन के अंदर क्या होता है क्लीन में कोई कैविस्कस ओपिट कैविटी ओपन नहीं होती फॉर एग्जाम्पल हर्नियोग्राफी है क्लीन कॉन्टामिनेटेड जिसमें विसरा ओपन होता।, होता है लेकिन मिनिमम मिनिमल स्पेलेज होता है लैप्रोस्कोपी कोलिसक्टिमी रट्टा मार लेना पेंडेक्टिमिया कॉन्टामिनेटेड के अंदर क्या होता है ओपन विसरा कोई विसरा ओपन होगा उस उसपिलज होगा कोई परफोरेट हो गया विसरा वैसे परफोरेशन तो उसमें आती है डर्टी वाले में आती है डर्टी वाले में पस परफोरेशन या एपसेस देखने को मिलती है अब इन्फेक्शन रेट कैसे रट्टा मारना है एक से लेकर दो होता है पहले वाला क्लीन वाले में तीन छः सात ओके तीन छ सात ओके ये आ जाएगा बाकी इसके बाद इन्फेक्शन रेट विदाउट प्रोफाइलक्सेस आई थिंक इसको याद करना थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन क्लीन में सेम होती है ओके okay? ठीक हो गया इसके बाद क्लिन uh, कंटेमिनेटेड में इन्फेक्शन रेट विदाउट प्रोफाइल एक्सेज तो ऑलमोस्ट तीन का पहाड़ा चलाया हुआ है सिक्स लेकर नाइन्थ तक और सिक्स वाले में आपने बस इसको छोड़ देते हैं आगे मेजर वूड इन्फेक्शन है कब हम लेबल करेंगे कि मेजर वूड इन्फेक्शन है ओके okay? तो ओके okay? तो मेजर वूट इन्फेक्शन जब लेबल करते हैं तब पस की क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा होती है या फिर होम रिटर्न डिलेड हो जाता है या फिर बंदा सिस्टामिकली इल होता है या किसी कोई और प्रोसीजर की ज़रूरत पड़ती है टू ट्रेन इट तो उसको बोलते हैं हम ओके okay, हम मेजर वोड इफेक्शन है पस होना घर वापस ना जाना और इल होना अब इसके बाद डिसेसिव पीरियड क्या होता है डिसेसिव पीरियड ये वो पीरियड होता है जिसके अंदर क्या होता है कि हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो रहा होता है लेकिन हुआ नहीं होता तो डिसेसिव पीरियड आफ्टर वोड चार घंटे होता है एंटीबायोटिक इसी फेस पर काम करती है अब वो कौन से फैक्टर्स होते हैं जो डिटर्मिन करते हैं कि वोड इन्फेक्ट होगा यानी होस्ट के रिस्पॉन्स पर करते हैं कि होस्ट का रिस्पॉन् कैसा आएगा नंबर टू इन्फेक्शन ऑर्गेनिज्म की विरुलेंसी पर डिपेंड करते हैं नंबर थ्री टिश्यू की वास्कुलरिटी और हेल्थ के ऊपर डिपेंड करते हैं नंबर फोर डेड या फॉरन टिश्यू पर डिपेंड करते हैं नंबर फाइव एंटीबायोटिक्स लिया है डिस पीरियड में क्योंकि एंटीबायोटिक्स इसी में इफेक्टिव होती है अब एडवांटेजेस ऑफ मिनिमली एक्सेस सर्जरी ओके जो मिनिमली एक्सेस सर्जरी होती है उसके क्या एडवांटेजेस होते हैं मिनिमल एक्सेस सर्जरी जो कि लेप्रोस्कोपी वाली होती है इसमें क्या होता है वूड का साइज कम से कम होता है जब वूड का साइज़ कम से कम होगा तो वूड का इंफेक्शन भी कम देखने को मिलेगा डिसेंस भी कम देखने को मिलेगी वूड की ब्लीडिंग भी कम से कम देखने को मिलेगी वूड की हंडियशन भी कम से कम होगी वूड का पेन भी कम से कम होगा पेशेंट बहुत जल्दी मोबाइल हो जाएगा ओके और हीट लॉस भी वैसे यहाँ पे डिक्रीज लिखा हुआ है। इसके बाद आ है, surgery, okay? surgery, के करती है, और फीडबैक फीडबैक okay? नहीं होता मिनिमल एक्सेस सर्जरी के अंदर नंबर थ्री हैंड आई यानी काफी एक्सपर्ट बंदे की जरूरत होती है इसमें हीमोस्टेसिस को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है और न्यू टेक्निक्स होती है लार्ज स्पेसिमेंस को एक्सट्रैक्ट करना होता है okay? सही है इसके बाद हम आगे आ जाते हैं एन वाले के अंदर आ जाते हैं ओके तो डब्ल्यू एच ओ सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट लिखी हुई है ओके बिफोर इंडक्शन ऑफ एनएस इसके बाद बिफोर स्किन इंसिजन क्या करना होता है और बिफोर पेशेंट ओके साइन इन टाइम आउट और साइन आउट ये तीन चीज़ें आपने देखनी होती है ओके आई थिंक इसको भी छोड़ देते हैं थोड़ा मुश्किल हो जाएगा ओके पेशेंट सेफ़्टी एंड सर्जन एंड न्यू कॉन्सेप्ट ऑन सेफ्टी ओके ठीक है कि इसमें एरर यानी पेशेंट सेफ़्टी ये भी इतना कोई अच्छी चीज़ नहीं है यहाँ पर कोई काम की चीज़ नहीं है इसके बाद नेक्स्ट आ नेक्स्ट आ जाते हैं हम न्यूट्रिशन वाले चैप्टर के अंदर न्यूट्रिशनल असेसमेंट के लिए एक टूल इस्तेमाल होता है जो कि मस्ट स्कोर होता है मस्ट स्कोर में क्या होता है बीएमआई होता है दूसरा आपको होता है वेट लॉस इन थ्री टू सिक्स मंथ और आपका एक्यूट डिजीज इफेक्ट आ जाएगा स्कोर दो ऐड करना होता है अगर किसी ने दो सॉरी पाँच दिन तक कुछ नहीं खाया हुआ बी अगर बीस से ज़्यादा तो नॉर्मल है तो जीरो ऐड करोगे अगर वन है तो एटीन से लेकर ट्वेंटी तक और एटीन से कम है तो दो आ जाएगा वेट लॉस अगर फाइव से कम है तो जीरो पाँच से लेकर दस है तो दो आ जाएगा और दस से ज़्यादा है तो वो आ जाएगा दो वैल्यू आ वा जाएगी ठीक हो गया पूरा स्कोर ऐड करेंगे अगर आ, कहने का मतलब है ओके ओवरऑल रिस्क ऑफ अंडर न्यूट्रिशन है अगर स्कोर ओवरऑल अगर हम कैलकुलेट करते हैं जीरो आता है तो लो है अगर एक आता है मीडियम है दो या दो से ज्यादा आता है तो वो हाई है अगर लो मस्ट स्कोर आएगा ओके तो इसमें आपने स्क्रीनिंग रिपीट स्क्रीनिंग करानी है हॉस्पिटल में हर हफ्ते अगर घर में है तो हर महीने और कम्युनिटी में तो हर साल ओके या फिर ऑब्जर्व करना होता है आपने कहने का मतलब है वन वाले में और आ, ट्रीट करना होता है टू वाले में ट्रीट में क्या होता है आपने डाइटिशन को बुलाना होता है आपने ओके जनरली आपने फूड को प्रेफर करना होता है एज़ कम्पेयर टू सप्लीमेंट्स ठीक हो गया ओके ये यालमोस्टली ये चीज़ आ जाएगी इसके बाद हम आगे आ जाते हैं कॉम्प्लिकेशन ऑफ न्यूट्रिशन है तो न्यूट्रिशन दो तरीके से दी जाती होती है इंटीरियल न्यूट्रिशन पार इंटीरियल न्यूट्रिशन जो इंटीरियल न्यूट्रिशन होती है डायरेक्टली जीआईटी के थ्रू होती है पार इंटीरियल जो कि आई वी रूट के थ्रू होती है बाई जी आई टी को बाईपास कर देते हैं एंटीनल न्यूट्रिशन की कॉम्प्लिकेशन में लाइक like हम कह सकते हैं कि ट्यूब रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो सकती है ट्यूब रिलेटेड के अंदर क्या हो सकता है ट्यूब की मैल पोजिशन ऑब्स्ट्रक्शन डिसप्लेसमेंट ब्लॉकेज या ब्रेकेज हो सकती है जी आई टी में नोजिया वॉमिटिंग डायरिया कॉन्स्टिपेशन है मेटाबॉलिक या बायोकेमिकल में न्यूट्रियन की डेफिशंसी इलेक्ट्रोलाइट डेफिशंसी हो सकता है वाइटामिन मिनरल की डेफिशेंसी देखने को मिल सकती है और इन्फेक्टिव के अंदर आप डट्टा मार सकते हो ओके okay? एक्जोजीस या एंटोजीनस इन्फेक्शन वगैरह हो सकते हैं जबकि पार न्यूट्रिशन न्यूट्रेशन की न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी से रिलेटेड है जिसमें रीफीडिंग सिंड्रोम आता है और क्रॉनिक डेफिशिएंसी सिंड्रोम है ओवर फीडिंग जिसमें ग्लूकोज की वजह से हाइपरग्लाइसीमिया ग्लाइसीमिया हाइपर ऑस्मोल डिहाइड्रेशन है हिपैटिक स्टीटोसिस है हाइपर या फ्लूड रिटेंशन है ज़्यादा फैट लेने की वजह से ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल होगा लाइपोप्रोटीन एक्स ज़्यादा हो जाएगा ट्रैक का लेवल भी बढ़ जाता है और हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन भी होते हैं माइनो एसिड ज़्यादा लेने की वजह से हाइपर कोलोमिक मेटाबॉलिक एसिडोसिस है हाइपर कैल्सिमिया माइनो एसिडीमिया होता है सेप्सिस की वजह से कैथीटर रिलेटेड सेप्सिस और सिस्टामिक है रिलेटेड टू द लाइन इंसर्शन की वजह से क्या हो सकता है जिस जगह पर आपने सी वी पी लाइन डाली है तो नीमों थोड़ा हो सकता है कार्डिक परफोरेशन देखने को मिल सकती है थोड़ासिक डग डैमेज हो सकता है आर्टरी वेन डैमेज हो सकती है एयन बॉडी सम हो सकता है लॉन्ग टर्म यूजेस के

के जो इंडिकेशन होती है कहने का मतलब है जो इंटीरियल न्यूट्रिशन की कॉन्ट्रा इंडिकेशन है वो टीपीएन की इंडिकेशन बन जाती है फॉर एग्जांपल अब टीपीएन किस में करोगे लाइक like आप आ, या एंटीरियल किस में नहीं करोगे अगर स्मॉल बोवल की ऑब्स्ट्रक्शन है या पैरलेटिक आइलियस है या आप कह सकते हो कि सीवियर डायरिया है या हाई आउटपुट इंटेस्टाइनल फिस्टुला है या सीवियर पेनिक्राटाइटस है इस केस में आप नहीं करोगे इस केस में आप टी करते हैं फॉर एग्जाम्पल अगर इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन है शॉर्ट गट सिंड्रोम है सीवियर पेनिक्राटाइटस है हाई आउटपुट फिस्टुला है गट इनफ्लेमेशन है या गट कोप नहीं कर सकती आइलियस है कॉन्ट्राट डिकेशन ऑफ टी लाइक कॉन्जस्टिव कार्डिक फ्लियोर है ब्लड डिस्क्रेजिया डायबिटीज़ मिलाइटस और फैट मेटाबॉलिज्म डिस्टरबेंस सही हो गया ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलती है ओके तो मेनली कंजेस्टिव हार्ट फेलियर या कोई ब्लड डिसऑर्डर है या डायबिटीज में लाइटस है फैट एम्बोलिज्म में फैट मेटाबॉलिज्म में भी नहीं देते ओके अच्छा पैरिफिला लाइन के अंदर जो डेक्सट्रोज होता है ना अच्छा पैरफिला लाइन और सेंट्रल लाइन ये टी पी एन के पार्ट्स होते हैं सेंट्रल लाइन दो हफ्ते से ज्यादा के ड्यूरेशन में देते हैं जो पैरिफिला लाइन्स होती है दो हफ्ते से कम में होते हैं पेरीफ्रा लाइन में लिक्विड लिपिड बेस आ, फ्लूड होता है लिपिड बेस न्यूट्रिशन होती है न्यूट्रिशनल फ्लूड क्योंकि उसमो लैलिटी कम होती है हाई कैलोरीज हम प्रोवाइड कर सकते हैं पेरीफ्रा लाइन में हम क्या करते होते हैं हम ट्वेंटी परसेंट डेक्स्ट्रॉस देते हैं सेंट्रल लाइन में फिफ्टी परसेंट डेक्स्ट्रॉस देते हैं इसके बाद केयर सर्जरी वाले टॉपिक के अंदर आ जाते हैं ओके okay, इसके बाद सर्जरी वाला टॉपिक है या या तो तो क्या होता है तो उसके क्राइटेरिया में मेडिकल क्राइटेरिया सोशल क्राइटेरिया और सर्जिकल क्राइटेरिया आ जाता है मेडिकल के अंदर क्या होता है मेडिकल के अंदर आपने फिजियोलॉजिकल एज को यूज़ करना है क्रोनोलॉजिकल एज आपने इस्तेमाल नहीं करनी क्रोनोलॉजिकल जो कि एक्चुअल एज आपको देखने को मिलती है ओके okay. इसके अलावा आपने ए एस सी स्टस को आपने देखना होता है ओवर टू रिक्वायर्स केयरफुल रिव्यू ओके ठीक हो गया तो मेडिकल में क्या होगा फिजियोलॉजिकल एज है सोशल के अंदर क्या होता है अगर रिस्पॉसिबल अडल्ट केयर है वो अवेलेबल होना चाहिए डे केयर सर्जरी के अंदर ओके फर्स्ट ट्वेंटी फोर आवर्स के लिए ओके okay. या पेशेंट एट द रिस्क ऑफ कोवर्ड ब्लीडिंग है होम कंडीशंस को सूटेबल होना चाहिए ओके okay. सही हो गया इसके अलावा एबिलिटी टू कॉन्टैक्ट हॉस्पिटल के हॉस्पिटल से कॉन्टैक्ट कर लेना चाहिए सर्जरी में क्या होगा ऑपरेशन दो घंटे तक होना चाहिए ओके okay, ठीक है रिकोगनाइजेबल ऑपरेशन होना चाहिए और बंदा रीज़नेबल टाइम स्केल में खाना पीना शुरू कर दे तो क्या है मेडिकल के अंदर फिजियोलॉजिकल एज यूज़ करनी होती है ए एस ए स्टेटस ओवर टू लेना होता है बी एम आई अंडर फोर्टी आना चाहिए सोशल के अंदर क्या होता है केयर प्रोवाइड करने वाला हो चौबीस घंटों के लिए होम कंडीशन सूटेबल हो या एबिलिटी टू कॉन्टैक्ट हॉस्पिटल इन एमरजेंसी हो सर्जरी के अंदर क्या होता है ऑपरेशन दो घंटे तक आपने करना होता है और खाना पीना वगैरह शुरू कर देना चाहिए उसको ओके okay? इसके बाद यहाँ पर लिखा है कि ऑपरेटिव मोर्टैलिटी बाई एस ओके सही हो गया तो यहाँ पर स्कोरिंग वगैरह चेक कर लेते हैं अगर ई एस ए ग्रेड ओके सही हो गया ई एस ए ग्रेड क्या है अगर ग्रेड वन है तो उसका मतलब है हेल्दी है ओके okay? मतलब कोई डिजीज़ नहीं है टू में माइल्ड सिस्टामिक डिजीज़ होता है लेकिन फंक्शनल डिजीज़ नहीं होता थ्री में क्या होगा सिस्टामिक डिजीज़ होगा यानी नेट भी खराब है फंक्शन भी खराब है फोर्थ में सीवियर सिस्टेमिक डिजीज़ है लेकिन कॉन्स्टेंट थ्रेट टू द लाइफ है फिफ्थ में मोरिबेंट पेशेंट है जिसके सर्वाइव होने के चांसेस नहीं है और ई में क्या ई में क्या होगी ओके okay, एमरजेंसी ऑपरेशन होता है बाकी यहाँ पे मेडिकल क्राइटेरिया लिखा हुआ है डे के सर्जरी में कि एज लिमिट नहीं होती हाइपरटेंशन कंट्रोल होनी चाहिए डायबिटीज़ इज़ नॉट एन इशू है एपिलेप्सी भी इतना इशू नहीं होता लेकिन मेडिकेशन लेनी चाहिए वैसे टी बी एम से कम होना चाहिए एंटी कॉगलन देना चाहिए तो ये तो आगे मेडिकल क्राइटेरिया ओके इसके बाद हम आ जाए सोशल तो में क्या है डिस्टेंस टू द कम डिस्टेंस टू द होम लेस देन वन आवर होना चाहिए और सर्जिकल के अंदर क्या होता है पेन कंट्रोल होना चाहिए वैसे ऊपर वाला करना है ऑपरेशन अपू टू आवर्स ओके ठीक है इसके बाद वॉल्यूम प्रोसीजर्स वे आर फोर्टी और मोर देन शुड बी परफॉर्म ऑन अ डे केयर सर्जरी फॉर एग्जाम्पल एपडोमन के अंदर हैमरोडक्टीमी रट्टा मार लो फैमरल या इंगोरल हनिया है ओके okay, या पायलोनाइल साइनस की सर्जरी होती है ब्रेस्ट में एक्सीजनल या बायोप्सी लेने के लिए होती है या लिम्फ नॉट एक्सीजन है जेनेटो यूनिरी के अंदर लेजर प्रोस्टक्टमी ऑर्किड एक्टेमी ऑर्थोपैडिक में डबाइट्रन फेसिओटमी या कार्पल टनल रिलीज आ जाएगा वास्कुलर में वैरिकोस वेरिकोसविन की सर्जरी आ जाएगी ओके okay, अब कॉमन प्रोसीजर जो कि सूटेबल होते हैं फॉर एमरजेंसी डे सर्जरी के लिए एमरजेंसी डे सर्जरी के लिए कौन कौन से होते हैं एंथ्रोस्कोप है बायोप्सी होती है फैमरल या सॉरी टेम्पोरल या लिम्फ नॉट की वैक्यूएशन रिटेन प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन है हर्निया को रट्टा मार लेना लैप्रोस्कोपिक ओवेरियन सिस्टक्टमी को रट्टा मार लेना ओके अब इसके बाद है टाइप्स ऑफ सर्जरी अकॉर्डिंग टू द स्टे ओके एम्बुलेटरी uh, सर्जरी ओके आउट पेशेंट सर्जरी कौन सी होती है ऐसी सर्जरी जिसमें वार्ड के अंदर एडमिट नहीं करना होता प्रोसीजर रूम सर्जरी जिसमें फुल स्टीराइल थिएटर की जरूरत नहीं होती डे या सेम डे सर्जरी डे या सेम डे सर्जरी क्या होती है एडमिटेड एंड डिस्चार्ज विद इन ट्वेल्व आवर ओके डे या सेम डे सर्जरी ओवर नाइट जो कि ट्वेंटी थ्री आवर का एडमिशन होता और early morning हो है और अर्ली मॉर्निंग डिस्चार्ज हो जाता है और स्टेज सर्जरी एडमिशन बहत्तर घंटों का होता है तो आउट पेशेंट में क्या होता है आउट पेशेंट में वार्ड की फैसिलिटी में एडमिट नहीं करते प्रोसीजर रूम के अंदर क्या था फुल स्टीराइल थिएटर फैसिलिटीज़ की ज़रूरत नहीं होती डे या सेम डे सर्जरी में सेम ट्वेल्व आवर में डिस्चार्ज हो जाएगा ओवर नाइट में ट्वेंटी थ्री आवर्स का एडमिशन होता है और शॉर्ट स्टे के अंदर क्या होता है बहत्तर घंटों का आपको स्टे देखने को मिलता होता है ओके okay? इसके बाद है कि एक पेशेंट है जो कि आपने इन्फॉर्म कंसेंट लेनी है लेप्रोस्कोपिक सप्लिन एक्टिवी की तो क्या क्या कन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करोगे कंसेंट के अंदर अच्छा कंसेंट शुड भी वॉलन्ट्री और इन्फॉर्म कंसेंट होनी चाहिए सपोर्टेड डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए आपने सारे ट्रीटमेंट ऑप्शन एक्सप्लेन करने हैं और कैपेसिटी देनी है

या उनके दो एक या एक से ज़्यादा ऑर्गन की क्रॉनिक इम्पेयरमेंट देखने को मिलती होती है तो इसमें आपने आई में एडमिट करना होता है हाई डिपेंडेंसी यूनिट में क्या होता है सिंगल फेलिंग ऑर्गन है या फिर हम व डिटेल्ड ऑब्जर्वेशन से बेनिफिट हो सकते हैं या जिसको आई की जरूरत नहीं है लेकिन वो इतना ठीक नहीं हुआ कि वार्ड में दाखिल हो सके या जिसको क्लोज मोनिटरिंग चाहिए तो उसको हाई डिपेंडेंसी में डाल दो इसके बाद वोन डिशेंस होता है वोन डिशेंस क्या होता है डिस्ट्रप्शन ऑफ एनी या आर द लेयर्स ऑफ वोड होता है पाँच लेकर आठवें दिन पर देखने को मिलता होता है तो वो आता है रिस्क फैक्टर फॉर वोन डिशेंस तो ये वही फैक्टर है जो कि वोन हीलिंग को खराब कर देते होते हैं या वोड खराब हो गया जनरल के अंदर आपकी मैल न्यूट्रिशन आ जाती है ओबेसिटी डायबिटीज़ हाइपरटेंशन रीनल रिनल फेलियर जॉन्डस आ जाएगा कैंसर डिवाइड है लोकल के अंदर वूंड की अगर क्लोजर नहीं हुई या व की हीलिंग खराब है ओके नंबर वन वूड से क्लोज नहीं हुआ नंबर टू वूड की हीलिंग ख़राब हुई हुई है इन्फेक्शन हिमाटोमा सिरोमा की वजह से या एंट्राडोमिनट प्रेशर बढ़ गया है लाइक like सीओपीडी की वजह से ओके okay? और इन पेशेंट को कैसे मैनेज करते हैं मोस्ट पेशेंट होते हैं उनको आपने ओ में लेके जाना होता है फॉर री होता है और इन लेकिन कुछ पेशेंट के अंदर क्या करना होता है आपने वूड को खुल, खुला रखना होता है या ड्रेसिंग से ठीक करना या वैक्यूम असिस्टेड क्लोयर है नंबर वन तो रिसिंग करनी है नंबर टू ड्रेसिंग या वैक्यूम असिस्टेड क्लोयर इस्तेमाल करना होता है अगर वून सुपरफिशियल है तो आपने कंजर्वेटिव मैनेज करना है अगर डीप है तो आपने सर्जिकली मैनेज करना होता है लाइक एबडोमिनल बाइंडर्स आपने इस्तेमाल करने होते हैं ओके okay. इसके बाद एक पेशेंट है जो कि माइट्रो वाल्व की डिजी प्रोस्थेटिक माइट्रो वाल्व रिप्लेसमेंट हुई है वार इस्तेमाल करना चाह रही है तो आपने उसको कैसे मैनेज करना होता है नंबर वन पाँच दिन पहले सर्जरी से पाँच दिन पहले आपने वारफिन को छुड़वा देना होता है नंबर टू अनफ्रैक्शनेटेड हैपिन देना होता है अगर आई एन से कम हो जाएगा अगर बढ़ जाएगा तो आपने क्या देना होता है आपने स्टॉप करना होता है ओके okay? और ए पी को आपने रखना होता है वन uh, पर अगर कम ज़्यादा हो जाता है आइनार तो आपने क्या देना होता है फैक्टर लाइक आप वाइटामिन के देना होता है ओके okay? और आपने सर्जरी के दो घंटे पहले आपने अनफ्रैक्शनेटेड फ्रैक्शनीटेड को आपने रोकना होता है ओके okay? और पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में 24 घंटे से ले बारह से 24 घंटों में आपने अनफ्रैक्शनेटेड फ्रैक्शनीटेड और वारफेन देना होता है अगर पेशेंट की मैकेनिकल वेल्व नहीं है और वेल्विलो और वेल्व रिप्लेसमेंट हुई हुई है ओके okay, या फिर सिंपल एंडस्थेटिक प्रोसीजर में आपने ये करना होता है अच्छा नाइस गाइडलाइंस फॉर रूटीन इन्वेस्टिगेशन बिफोर सर्जरी ओके तो इन्वेस्टिगेशन नीडेड ओके टाइप ऑफ सर्जरी ओके अगर कोई मेजर सर्जरी है जिसके वजह से ऑर्गन सिस्टम डिस्फंक्शन हो सकता है तो इसमें आपने करना होता है नंबर टू पेशेंट लाइक सिकल सेल टेस्ट कराना है फॉर अफ्रीकन कैरिबियन नंबर टू को मोर्बिडिटीज पे डिपेंड करता है इन्वेस्टिगेशन तो ये इंडिकेशन थी अब कौन कौन सी इन्वेस्टिगेशन होती है ओके okay? ये तो नाइस गाइडलाइंस थी कि टाइप ऑफ सर्जरी पेशेंट के ऊपर या को मॉर्बिडिटीज़ीजी पर डिपेंड करता है कौन कौन सी सर्जरी कराई गई सी कराई गई मेजर सर्जरी है बच्चे सिक्सटी फाइव वाले में यूनियर इलेक्ट्रोलाइट्स के अलावा कराते होती हैं ई कराते होते हैं चेस्ट रेडियोग्राफ है क्लॉटिंग स्क्रीन है ये सारी जनरल टेस्ट है एल एफ है ओके okay. ठीक है अगर किसी को एमआई है तो आपने सर्जरी का वेट करना थ्री टू सिक्स मंथ तक ओके okay. सर्जरी आफ्टर क्रॉनली स्टंट प्लेसमेंट ओके okay. अगर बेयर मेटल स्टंट पास किया तो छः हफ्तों के बाद करनी होती है और अगर ड्रग एल्यूटिंग स्टंट है तो आपने बारह महीनों के बाद आपने सर्जरी करनी होती है ओके okay. सही है आ, डू सर्जरी आफ्टर यू स्टॉप एंटी प्लेटिले ट्रक हो क्या ब्लड प्रेशर कंट्रोल बिफोर सर्जरी तो वो वन सिक्सटी फाइ हंड्रेड होता है इंजेक्शन फ्रैक्शन पैंतीस तक रखना होता है वाटर कैपेसिटी पंद्रह सौ से ज़्यादा की होनी चाहिए ओ सी पी को चार्ज लेकर छः हफ्ते पहले रोकना होता है चेस्ट इन्फेक्शन को भी चार्ज लेकर छः हफ्ते पहले ठीक करना होता है एच बी ए वन सी को एट पॉइंट फाइव से कम करना होता है हर दो घंटे बाद ग्लूकोज की मॉनिटरिंग करनी होती है अगर मॉर्निंग लिस्ट पे तो कोई ब्रेकफास्ट और कोई मेडिकेशन नहीं देनी अगर आफ्टरनून लिस्ट पे तो ब्रेकफास्ट देनी है इंसुलिन की हाफ डोज और ओरल एंटी डायबाटिक देनी होती है अगर किसी पेशेंट को प्रीवियस uh, स्ट्रोक है तो आपने एस्पिरिन को साथ दिन पहले छुड़वाना होता है और डॉगल को दस दिन पहले छुड़वाना होता है फूड आपने छह घंटों पहले और लिक्विड दो घंटों पहले होता है ऑपरेटिंग रूम का टेम्परेचर 20 बीस लेकर चौबीस होता है और ह्यूमिडिटी लेकर सिक्सटी परसेंट होती है ओके, सही हो गया। ये सब आ जाएगी। ओके। इसके बाद नेक्स्ट हम आगे आ जाते हैं ओके इनोमीरेट फोर इसेंशियल स्टेप्स फॉर करेक्ट प्लेसमेंट ऑफ़ एंट्रोट्रैकियल ट्यूब तो दो आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या चाहिए होती है चेस्ट एक्सरे और एंड टाइडल सी ओ टू आपको चाहिए होता है ओके okay, अब करेक्ट पोजिशन को कन्फर्म करने के लिए क्या क्या होता है नंबर वन एंट्रोट्रैक्यल ओके आपने एंट्रोट्रैकअल इंट्यूबेशन एंड्रविन करना होता है नंबर टू बायलैटरल विजिबल चेस्ट राइस होना चाहिए नंबर थ्री बायलैटरल चेस्ट राइस किया एयर एंट्री हुई एपीगैस्ट्री में ब्रेथ साउंड कम हो गई है और स्क्वेयर वेव नॉर्मल कैपनोग्राम है ओके ये सब चीज़ें आ जाती है इन लिस्ट एटलीस्ट सिक्स कॉम्प्लिकेशन ऑफ एंट्रोट्रैकियल इंट्यूबेशन की अगर इंट्यूबेशन फेल हो जाती है या गलती से ब्रोंकाई में चली गई है तीत फायरिंग से लैरिंगस को ट्रामा हो गया है गैस्ट्रिक कॉन्टेंट की स्पायरेशन है या ट्यूब की या डिस् कनेक्शन या किंकिंग होगी है या ट्रैकअल स्टीनोसिस होगी है क्लियर ऑलमोस्ट ये सब चीज़ आ जाएगी इसके बाद हम नेक्स्ट आगे आ जाते हैं ओके सही है अच्छा सिक्स कॉम्प्लिकेशन ऑफ एंट्रोट्रैकल ट्यूब हो जाएगा ऑलमोस्ट ओके okay. इसके बाद नेक्स्ट है uh, एक एनेस्थेसिस्ट एक है जो कि एयरवे को एसेस कर रहा है बाय आस्किंग द पेशेंट टू ओपन हिज एयरवे एनस्थेसिस कुल सी ओनली सॉफ्ट पायलट अच्छा एयरवे असेसमेंट आ जाता है एयरवे असेसमेंट के लिए आपका सैमसन एंड यंग मॉडिफाइड मिलामती टेस्ट आ जाता है ओके okay. अगर आपको सॉफ्ट पायलट और यूवला नजर आ जाए तो वो ग्रेड वन है अगर आपको फोसिस यानी अगर आपको सिर्फ हार्ड पैलेट नजर आएगा ओके okay, सही हो गया मतलब एयरवे कॉम्प्रोमाइज है तो वो ग्रेड फोर है अगर सॉफ्ट पायलट नजर आता है तो वो ग्रेड थ्री है अगर सॉफ्ट पैलेट के साथ फोसिस और यूविला भी नजर आ रहा है तो वो ग्रेड टू और सब कुछ नजर आ रहा है तो वो ग्रेड वन आ जाएगा इसके बाद एक पेशेंट है जिसने लैप्रोस्कोपी कॉलेज सिस्टक्टमी करवानी है हो गई है तो सिक्स मॉनिटरिंग पैरामीटर्स ड्यूरिंग जीए तो जीए के अंदर हम कौन कौन से सीवीएस के पैरामीटर्स देखते हैं पहला वास्कुलर और दूसरा वेंटिलेशन के एडिकुएसी को वास्कुलर में ईसीजी कराते हैं और ब्लड प्रेशर देखते होते हैं ओके एडिकुएसी uh, और वेंटिलेशन को चेक करने के लिए इंस्पायर्ड ऑक्सीजन सैचुरेशन है कंसेंट्रेशन सैचुरेशन और एंड टाइडल सी ओ है बाकी टेम्पेचर हम वेंटिलेशन पैरामीटर्स भी हम चेक कर सकते हैं डिलीवरी ऑफ एनस्थेटिक भी कर सकते हैं यूरिन आउटपुट सी को भी मॉनिटर कर सकते होते हैं एन का ट्रॉएट क्या होता है जीए का ट्रायट क्या होता है एमनीजिया एनर्जीजिया मसल Relaxant. Amnesia में क्या होता है और मसल रिलेक्सेशन है इसके बाद एयरवे एयरवे को मेटेन करने के लिए चार मेथड होते हैं चीन लिफ्ट और जाथर्स नंबर टू ग्यूटल एयरवे नंबर थ्री सुप्राग्लॉटिक डि जो कि इजिली इंसर्चेबल होती है लास्ट में एंट्रोट्रैकियल इंट्यूबेशन आ जाती है इसके बाद जो मसल रिलेक्सन इस्तेमाल करते हैं ईटीटी के लिए मेन सक्सा मेथोनियम होता है लेकिन सक्सा मेथोनियम की वजह से क्या हो सकता है मसल पेन हाइपरक्लीमिया और मलेग्नेंट हाइपरथर्मिया वगैरह आपको देखने को मिल सकता है विन वे, कोरियम होती है सबसे पहले तो सक्सा मेथोनियम होता है क्विक ऑनसेट है शॉर्ट ड्यूरेशन है स्पॉन्टेनियस रिकवरी है बाकी विक्रोियम एट्राक्योरियम विक्रोनियम आ जाते हैं कॉमन लोकल अनस्थैटिक्स में सबसे मोस्ट कॉमन होता है वो लिग्नोकेन होता है लिग्नोकेन होता है सही है बस इसका रट्टा मार लेना लिग्नोकेन अर्ली ऑनसेट शॉर्ट एक्टिंग होता है गुड सेंसरी ब्लॉक होता है बीपी वकेन लॉन्ग एक्टिंग होता है लेकिन कार्डियोटॉक्सिक होता है कभी भी आई भी नहीं देना लाइक बेयर्स ब्लॉक में आप बी वकेन इस्तेमाल नहीं करते प्राइलेकन ये बेयर्स ब्लॉक में करते हैं लेकिन इसकी वजह से मैथीमो ग्लोबेमिया हो जाएगा रूपी वकीन लेस कार्डियोटॉक्सिक होती है ग्रेटर सेंसरी मोटर सेपरेट